क्या खूब कहा है किसी ने, खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक सेठ जी की। एक बहुत अमीर सेठ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। धन दौलत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हर चीज़ थी उसके पास। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज बैठे बैठे ऐसा करते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका हिसाब लगाते हैं। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर किया कि ऐसा करो, तुम दो चार दिन का टाइम लो और मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका तुम डिटेल मुझे दो कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। अकाउंटेंट बात सुन के चला गया और दो तीन दिन के बाद फिर से वो वापस आया। खाली हाथ वापस आया तो बोलता है, क्या हुआ तुम खाली हाथ वापस आ गए? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे लिए डिटेल लेके आना, कितनी प्रॉपर्टी है वो सारी। बोला, सर मैंने पता कर लिया है, मैंने सारी कैलकुलेट कर ली है, आपके पास इतनी धन दौलत हैं, इतनी धन दौलत हैं कि आपकी सात पुश्तें बैठ के खाएगी। सेठ जी बड़ा खुश हो गए। बोला, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है तुमने बता दिया। तुम ऐसा करो, आठ दिन का और टाइम ले लो और मुझे पूरा डिटेल, मेरे को ये चाहिए कि क्या है, कितना गाड़ी है, कितने बंगले हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें चाहिए। अकाउंटेंट चला गया। थोड़ी देर के बाद सेठ जी सोच रहे थे कि मेरे पास इतनी सारी दौलत है कि मेरी सात पुश्तें खाएगी, लेकिन अचानक से सेठ जी को दिमाग में ये आया कि सात पुश्तें तो खा लेगी लेकिन मेरा आठवां पुश्त क्या करेगा। तो ये 99 का जो चक्कर होता है ना, ये बहुत ख़राब होता है और वही सेठ जी के साथ हुआ। सेठ जी फिर से उदास हो गए और वो सोचने लगे कि मेरी आठवीं पुश्त का क्या होगा। अब सेठ जी का मन जो है अंदर से बेचैन हो गया। घर गए, सेठानी पूछ रही है, क्या हो गया आज इतने उदास क्यों? तो सेठ जी सोच रहे हैं, कैसे बताऊं इसको, अगर बोलूंगा ये प्रॉब्लम है कि मैं सातवीं पीढ़ी का मेरे पास पैसा है, आठवीं पीढ़ी के बारे में सोच के परेशान हूं, तो ये सोचेगी सेठ जी पागल हो गए हैं। दिमाग में ये चीज़ें बार बार उनके दिमाग में हिट कर रही है कि मेरी सात पुस्तें तो चल जाएगी, आठवीं पुस्त का क्या होगा। पहले आते थे तो पोते के साथ खेलते थे, आज कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम था दूसरे दिन और सेठ जी देख रहे थे न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि आज यहाँ पे सत्संग होने वाला है और जो महात्मा जी आएंगे वो प्रवचन देंगे। तो सेठ जी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बड़े बेचैन भी हूँ कल से, और क्यों ना चला जाए वहीं पे, आज चलेंगे और वहाँ पे महात्मा जी होंगे तो शायद मेरे जो सवाल हैं इनका जवाब भी मिल जाएगा मुझे। सेठ जी चले गए देखने के लिए, प्रवचन हो रही थी और संत आए हुए थे, उन्होंने प्रवचन सुनी, लेकिन इनके दिमाग में बार बार वही चीज़ें आ रही थी कि सात पुस्तें तो मेरी चल जाएगी, आठवें पुस्तक का क्या होगा। जैसे ही प्रवचन हुआ, पीछे पीछे भागे महात्मा जी के पीछे और उनके चरणों में गिर गए। बोले, महात्मा जी बहुत परेशानी में हूँ, बहुत बेचैन हूँ और आप जो बोलोगे वही करूँगा, जो दान ध्यान बोलोगे, जितने पैसे बोलोगे दूंगा, बट मेरे एक छोटे से सवाल हैं, आप इनका जवाब दें हमें। बोला, ठीक है बताओ क्या सवाल है। तो सेठ जी ने बोला कि मेरे सवाल ये है कि मैंने अपना पूरा डिटेल निकलवाया है कल अपने अकाउंटेंट से और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन उन्हें बताया कि तुम, आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी सात पुस्तें खा लेगी, बट मैं ये सोच के परेशान हूँ कि मेरी आठवीं पुस्त का क्या होगा। सारी बातें महात्मा जी के समझ में आ गई। बोला, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसके सवालों का जवाब आपको हम देंगे, छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटा सा दान करना पड़ेगा। बोला, कोई बात नहीं पंडित जी, आप बताइए महात्मा जी हमें क्या दान करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आधा किलो आटा आपको दान करना है। आपके गाँव के सबसे लास्ट में एक बूढ़ी अम्मा रहती है और बहुत गरीब है, बहुत लाचार है वो, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, आप सिर्फ उनको आटा आधा किलो दान कर दीजिएगा और उनकी कृपा जो है आप पे बरसने लगेगी, जो भी आपके सवाल हैं इनका जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेठ जी ने हाथ जोड़े और धन्यवाद किया महात्मा जी का और फटाफट वहाँ से भागा कि कल से मैं बेचैन हूँ। अपने फटाफट अपने जो नौकर थे उनको फ़ोन किया उन्होंने, सेठ जी ने, कि फटाफट ऐसा करो, एक कुंटल आटा लेके पहुँचो यहाँ पे, फलानी जगह पे पहुँचो, मैं भी इधर से पहुँच रहा हूँ। सेठ जी निकल पड़े वहाँ से और वही जगह ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गए उस कुटिया के पास। वाकई में वो कुटिया थी। गेट नॉक किया सेठ जी ने, बूढ़ी अम्मा निकली। सेठ जी चरणों में गिर गए, अम्मा आप यहाँ,
मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं तो बहुत दयालु आदमी हूँ, मैंने कितने लोगों का भला किया, जो भी था इनका प्रवचन जो है अपना, अपनी तारीफें ये सब करने लगे। मुझे पता चला आपको बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ में हो, देखिए मैंने आपके लिए क्या लाया है, एक बोरी आटा लाया है, एक कुंटल आटा लाया है, ये मेरी तरफ से आपके लिए अम्मा जी, और जो भी तकलीफ हो फ्यूचर में भी तो आप मुझे याद करना। और बोला बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आटे की ज़रूरत नहीं है, बट सेठ जी को तो देना था, क्योंकि सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था कि ये आटा आधा किलो दान करेंगे तो कृपा बरसने लगेगी, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी। सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं अम्मा, अगर आपको इतने नहीं चाहिए तो आप ऐसा करो 5 किलो आटा रख लो, कम से कम 2-4-5 दिन के लिए आपके खाने का व्यवस्था हो जाएगा, और बाकी आप मुझे याद करना, तो जो भी चाहिए हम आपको देंगे। बोला नहीं बेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें 5 किलो आटा भी नहीं चाहिए, 2 किलो आटा भी नहीं चाहिए। सेठ जी बड़े परेशान, बोला यार ये तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो है महात्मा जी ने तो बोला है 1/2 किलो तो आटा देना ही पड़ेगा। बोला अम्मा ऐसा है 1/2 किलो आटा तो आपको लेना ही पड़ेगा, अब मैं एक बात नहीं सुनूंगा और आप बिल्कुल आप मना नहीं करोगे मेरे को, 1/2 किलो आटा आपको लेना ही पड़ेगा। अम्मा बोली बेटा आज का खाना मैंने खा लिया, मुझे ऊपर वाले ने आज का भोजन दे दिया है, कल के लिए मैं नहीं सोचती, कल के लिए ऊपर वाला अपने आप मेरा व्यवस्था कर देगा, मैं आज के लिए जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। इतना सुनते ही सब कुछ महात्मा जी की बातें सेठ जी के दिमाग में आ गई और उन्हें समझ में आ गया कि क्यों महात्मा जी ने इस माता जी के पास भेजा था 1/2 किलो आटा देने के लिए। छोटी सी स्टोरी, ये छोटी सी कहानी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है ज़िंदगी में, सेटिस्फेक्शन की कोई सीमा नहीं है आदमी को, और ये 99 का जो चक्कर होता है ना बहुत ख़राब होता है, और लिमिट नहीं है इन चीज़ों की कि सेटिस्फेक्शन कहाँ जाके मिलेगी आपको। जो भी चीज़ें आपको ऊपर वाले ने दी है वही बहुत है आपके लिए, आज में जीना सीखिए, आज के बारे में सोचिए, कल का ये सोच के परेशान मत होइए कल का क्या होगा, उसके बाद का क्या होगा, सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।